पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बिहार में बन रहा वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच। जी हाँ, दूसरा बात बाय रोड नहीं बताए तो मरीन ड्राइव की ओर से भी आप लोग पीएमसीएच आ सकते हैं। जी हाँ, 5460 बेड का ये अस्पताल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार हो। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत गाइस कमेंट आया था पीएमसीएच जो बन रहा है उसका अपडेट देने के लिए। तो बिहार में बन रहा है वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच। जी हाँ, टॉप लेवल पर बनने वाला, बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। जितना पीएमसीएच से कुछ अलग होगा इस बिल्डिंग में। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर हेलीपैड भी बनने वाला है। तो पूरा लास्ट तक ब्लॉग बना रही है, पूरा आपको दिखाएंगे ड्रोन की मदद से और बताएंगे क्या क्या यहाँ पर हम लोगों को सुविधा मिलने वाला है। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए पीएमसीएच में तेजी से कार्य किया जा रहा है। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बेड के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसकी कुल लागत 55 करोड़ बताई जा रही है, मतलब 55 करोड़ इस पूरे हॉस्पिटल को बनाने में लग रहा है। सारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया ताकि ये हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास बन सके। यह परियोजना 7 साल में पूरी होगी। 5460 बेड का ये अस्पताल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार होगा। जी हाँ, पहला 10,000 बेड का अस्पताल ताइवान में है। हम चीन से बड़े अस्पताल बनाने में सफल होंगे, ये ऐतिहासिक पल होने वाला है। वैसे वर्तमान काल में, मतलब अभी पीएमसीएच में लगभग 1800 बेड की व्यवस्था है, फिर भी यहाँ मरीजों की भीड़ रहती है। मरीजों की भीड़ इतनी रहती है जमीन पर गद्दा बिछाकर मरीज का इलाज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर मरीज भर्ती किया जाता है। बेड रहे या ना रहे, उसे भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाता है। नया भवन फुल प्रूफ फायर सेफ्टी की सुविधा होगी। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी होगी। एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए इंटरकनेक्टेड रास्ता होगा। परिजनों के रहने के लिए धर्मशाला भी होगा। 250 छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज के भवन का होगा निर्माण। मल्टी और सुपर स्पेशलिटी विभाग भी होंगे। नए भवन में ट्रांसप्लांट आदि की सुविधा होगी। कोशिश होगी इस अस्पताल में एक छत के नीचे मरीज को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, मरीज को इलाज के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़े। आधुनिक उपकरणों जैसे MIR और CT स्कैन समेत तमाम रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा होगी। 250 छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज का भवन होगा। 1250 छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी होगी। ऑडिटोरियम 55 OT और करीब 500 बेड का ICU और HDU की सुविधा होगी। पटना पे गाइस दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया बनते रहे, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं मॉल बन रहा है, कहीं हम लोग अब नया PMC दिखने वाला है। तो पटना पहले से हमारा बिहार जो कि बदलते जा रहा है, समझिए मॉडर्न हो चुका है। जो पटना में रहते नहीं बहुत साल के बाद यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए बहुत मॉडर्न होने वाला है। यहाँ पर डबल डेकर ब्रिज भी बगल में बन रहा है। तो डबल डेकर ब्रिज जब बन जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट PMC भी आ जा पाइएगा, NIT भी आ जा पाइएगा और बहुत जगह हम लोग को सुविधा मिलने वाला है। इस तरह से बहुत सारा ब्रिज बिहार में बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर से आने के लिए अब आपको डबल डेकर ब्रिज भी बनने वाला है। मतलब गांधी मैदान से आपको बाय रोड आते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, तो डबल डेकर ब्रिज आपको डायरेक्ट पीएमसीएच हॉस्पिटल तक उतारेगा, फिर यहाँ से आप लोग आराम से जा सकते हैं। अभी गाइस हम लोग आ गए हैं पटना मरीन ड्राइव की ओर, देख लीजिए यहाँ से आपको पीएमसीएच का दिखा रहे हैं जो नया वाला बिल्डिंग बन रहा है। यहाँ पर हेलीपैड होने वाला है, ये मेन गेट है। यहाँ से हम लोग मरीन ड्राइव से होकर आते हैं आगे से गांधी मैदान से, तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए अभी पूरा ऐसा पूरा बहुत खूबसूरत बनने वाला है। सब जो देख रहे हैं एंट्री लोग भी देख सकते हैं, लिफ्ट ही बना हुआ जा रहा है ऊपर, देखिए। दूसरा बात बाय रोड नहीं बताए तो मरीन ड्राइव की ओर से भी आप लोग पीएमसीएच आ सकते हैं। जी हाँ, और 15 अगस्त को बोला जा रहा है कि मरीन ड्राइव से आप लोग गायघाट तक आ जाइएगा। जी हाँ, तो 15 अगस्त जब इस गायघाट वाला मरीन ड्राइव बनकर तैयार हो जाएगा तो आप लोग गायघाट से पीएमसीएच या पीएमसीएच से गायघाट भी जा पाइएगा। तो गायघाट में जो रहने वाले हैं उनको बहुत आसान होगा, डायरेक्ट आप लोग मरीन ड्राइव से होते हुए पीएमसीएच पहुंच सकते हैं। बिल्डिंग के टॉप पे हेलीपैड बनाया जा रहा है। हेलीपैड बनाया जा रहा है इमरजेंसी सेवा के लिए, कहीं कोई बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो गया, बाय रोड आने में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिले, तो हेलीपैड की मदद से अब हम लोग डायरेक्ट पीएमसीएच के छत पे उतर सकते हैं। गाइस यहाँ पीएमसीएच जो देख रहे हैं यहाँ पर आके मरीन ड्राइव रुक जाता है, यहाँ से आप लोग गायघाट जा पाइएगा। 15 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। जिस दिन उद्घाटन उस दिन मेरा ब्लॉग आएगा, सिर्फ शाम को ना हो वरना फिर अगला दिन मेरे को लाना पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए गाइस, तो छोटा सा अपडेट था, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।